हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के स्टूडियो में हम लोग एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गेमिंग लैपटॉप की, जो लेनोवो के अंदर आता है आइडिया पैड 3 गेमिंग के अंदर। तो इसके हम लोग है वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको दिखाने वाला हूँ कि उसके अंदर कितने पोर्ट आते हैं, क्या क्या यूनिक चीजें आपको मिलने वाली है, वो सारी है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा, टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लें। तो आज की जो अनबॉक्सिंग है वो इस लैपटॉप पे होने वाली है, जो लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 नाम से आता है। और क्या इसके अंदर हमें मिलने वाला है वो सारा का सारा है वो इस वीडियो के अंदर वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को है वो कर लेता हूँ यहाँ से अनबॉक्स। तो ये जो इसकी सील है वो यहाँ से हटा देता हूँ। अब अंदर से देखने वाले हैं कि लैपटॉप है वो किस तरीके से दिखने वाला है और क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो ये हमें इसके अंदर मिल जाती है हार्ड डिस्क के अंदर। अगर हम लोग लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगाना चाहें तो इस तरीके की जो केसिंग है वो आती है, जिससे हम लोग लैपटॉप की स्टोरेज है वो बढ़ा सके। तो ये चीज़ है वो एक नंबर काम की चीज़ है जो हमें मिली है। ये हो गई लैपटॉप की पावर कोड। और एक इसके अंदर आता है चार्जर। चार्जर भी 135 वोल्ट का चार्जर आता है, जो काफ़ी हेवी चार्जर है। और ये भी चार्जर है वो USB के अंदर आता है, ठीक है, टाइप सी के अंदर नहीं है, USB के अंदर है। अब मेन बारी है वो है लैपटॉप की, तो लैपटॉप भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर की जो डिजाइन की बात करें वो है काफी प्रीमियम है, आपको जो लुक है वो काफी अच्छा लुक है वो मिलने वाला है लैपटॉप के अंदर। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो इस टाइप से आपको लैपटॉप है वो मिल जाता है। और यहाँ पे i5 प्रोसेसर है 11 जनरेशन के अंदर है, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है वो लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। बाकी लुक है वो काफी प्रीमियम लुक है। कैमरे को भी आप लोग है वो इसको लॉक कर सकते हो और कैमरे को ऑन कर सकते हो, जो यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट मिल जाता है, आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है वो मिलने वाला है, जिससे हम लोग कैमरे को लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। अब रही बात पोर्ट की, तो हमें क्या क्या पोर्ट मिलने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑडियो जैक हो गया, USB पोर्ट हो गया, ये वापस है वो USB पोर्ट हो गया। पीछे हमें कोई भी पोर्ट है वो नहीं मिलने वाला। यहाँ पे बात करें तो टाइप सी पोर्ट आ जाता है, एक HDMI पोर्ट आ जाता है, LAN पोर्ट हो गया और ये इसका टाइप USB चार्जर हो गया। बाकी लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम लैपटॉप है, जिसको हम लोग गेमिंग के अंदर या वीडियो एडिटिंग के अंदर वो यूज में ले सकते हैं। बाकी लैपटॉप की जो भी डिटेल्स है वो आपको कम्प्लीटली ऑन करके दिखाने वाला हूँ लैपटॉप भी। तो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो IPS पैनल के अंदर है वो स्क्रीन आपको मिलने वाली है, जो काफ़ी है वो प्रीमियम स्क्रीन है। और बैकलाइट कीबोर्ड है बटनों के नीचे, जो कलर में है वो लाइट भी जलने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसको ऑन करके। तो इसके अंदर आप बैकलाइट कीबोर्ड है वो देख पा रहे हो, नीचे बटनों के नीचे वो लाइट जग रही है। इसमें कलर में भी आता है बट ये कलर लाइट के अंदर नहीं है। स्क्रीन है वो काफी शानदार है, IPS पैनल है, यहाँ पे आइडिया पैड गेमिंग नाम लिखा हुआ होता है और काफी प्रीमियम है। आप किसी भी एंगल से इसकी स्क्रीन है वो देखो तो आपको कहीं भी फर्क है वो नजर नहीं आने वाला है। ये जो लैपटॉप है वो कोर i5 11 जनरेशन के अंदर है, 8GB रैम और 512GB SSD के साथ। इसको हम लोग 16GB वेरिएंट के अंदर भी खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली वो खरीद सकते हो। और एक्स्ट्रा बोन्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा अगर कोई ऑफर चल रहा हो क्रेडिट कार्ड पे या जो भी। तो इस तरीके से जो लैपटॉप है वो ये काफ़ी हेवी यूज़ के लिए है, गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए आप वो ईजिली इस लैपटॉप का वो यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।